तो स्वागत है मित्रों में इस बैंडेड ओनली की ब्लैक सीरीज में। तो आज अपन खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट और आज के जो एपिसोड है वो बहुत मस्त वाला। वैसे कायदे से वेरी आई एम सॉरी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, खासकर अपने कुणाल गेमिंग भाई, ये लो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं ज़्यादा की यूज़ करता हूँ ऑफिसली। मैं मतलब जिसका फंक्शन का मेरे फ़ोन का फंक्शन रिकॉर्डर है वो इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो ये रहा, यही है मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर, मैं इसको ही यूज़ करता हूँ ऑफिसली। मैं जब भी गेम खेलता हूँ तो यहीं से डायरेक्ट ऑन कर लेता हूँ। तो वैसे यार मैं काफ़ी सारे बंदों को आई एम वेरी सॉरी दोबारा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बंदों को कमेंट्स नहीं पढ़े। अपने इनविंसिबल, कुणाल गेमिंग, बहुत सारे सब्सक्राइबर है मेरे, बाकी सबको नाम भूल चुका हूँ, बट कुछ कुछ जो अभी भी मैंने कमेंट्स पढ़े थे उन सबके मतलब अभी भी किया मैंने रिप्लाई। इससे आई एम वेरी सॉरी यार, क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ मैं नहीं करना चाहता था, बट हाँ थोड़ा बहुत काम था घर पे, दैट्स वाई मैं यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो चलो फिर आज के जो मेन टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। आज अपन सर्वाइवल सीरीज में बनाने वाले हैं एक वुड फार्म, हाँ पूरे लकड़ी का फार्म, क्योंकि भाई मेरे पास लकड़ियाँ की कमी हो चुकी है, दैट्स वाई मुझे बनाना पड़ रहा है। तो लेट्स गो, इसको लगा, एक मिनट यहाँ पे नहीं लगेगा शायद, इसको उधर लगाना पड़ेगा। ओके तो अपन लेके आ चुका है दोबारा से। तो यहाँ पर लगेंगे अपना एक डिस्पेंसर, फिर अपना लगेगा यहाँ पे कोबल स्टोन या फिर नॉर्मल कोई भी आप ब्लॉक लगा सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, बट कोबल स्टोन अभी जस्ट माइन करके लाया था मैं। तो इसके ऊपर लीवर लगाने के बाद आपको ऐसे कुछ अपना लेना है, ऑब्जर्वर एक यहाँ पे और दूसरा, अरे चल ले भाई, ओके दूसरा यहाँ पे। अब इसको करना है आपको ऑफ, ठीक है, ये ऑफ वाला बटन है। अब यहाँ पे इसके अंदर कोबल स्टोन नहीं ऑन हो रहा, अभी देखो ऑन हो गया। तो इसको ऑफ ऑन का आप सिस्टम देख लेना, ये ज़रूरी होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको लगाना है कैजुअली अपना यहाँ पे पिस्टन, वो भी पाँच, ठीक है, एक दो, अरे पाँच लगाना पड़ेगा भाई, तीन जंप करके लगे थे, चार और पाँचवे के लिए नहीं लगेगा। ओके मुझे ब्लॉक लगा के जाना पड़ेगा, लेट्स गो अपन लगाते हैं ब्लॉक। और भाई अब तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं है फटाफट से लाइक करो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करो बोलो। और हाँ मतलब कुछ दिन से मेरा थोड़ा सा बुरा जा रहा है टाइम, बट यार तुम आई नो कि तुम लोग ठीक कर दोगे ऑफिसली, ठीक है। तो ओके तो मुझे लाना है एक हॉपर और अपना बैरल, तो भाई हॉपर बैरल है ही नहीं, चलो फिर लेके आता तो मेट के अंदर, लेट्स गो ब्रो। मैंने क्राफ्ट कर लिया है अपना हॉपर और बैरल, तो यहाँ पे लगेगा अपना हॉपर, इसके ऊपर लगेगा बैरल, ब्रैलर नहीं बैरल, भाई क्या बोल रहा मैं। ओके तो ये करने के बाद आपको लेना है अपना टेम्प्रेरी ब्लॉक, और इसके पीछे जस्ट पीछे यहाँ पे आपको एक छः का एरिया बना है, छः ब्लॉक का एरिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके अब चलना है आपको ऊपर, यहाँ पे एक आपको मतलब क्लॉक बनाना पड़ेगा, एक मिनट मेरे पास ऑब्जर्वर बनाने के लिए क्वार्ट्स ही नहीं है ब्रो, क्वार्ट्स लेके आता हूँ दोस्त। ओके तो फाइनली 2-3 हज़ार साल बाद मैं क्वार्ट्स लेके आ चुका अपना। ओके तो यहाँ पर बनाएंगे एक ऑब्जर्वर, ऑब्वियसली मेरे को एक और ऑब्जर्व की जरूरत पड़ेगी, बट अभी नहीं, फिलहाल मैं इसको रहने देते हैं, एक अभी एक ही फिलहाल बनाते हैं। और यहाँ पे लगेगा अपना ऑब्जर्वर इस प्रकार से, और एक मिनट मैंने एडिशनल रिपीटर भी नहीं लाया भाई, मैं क्या क्या लेके आया हूँ भाई, कुछ लेके आया हूँ मैं। चलो भाई मैं दोबारा रिपीटर लेके आता हूँ, मुझे इसके लिए नॉर्मल स्टोन चाहिए होगा, लेके आता हूँ दोस्त। ओके तो गुड मॉर्निंग गाइस, अपना मसाला गुड मॉर्निंग हो चुका है, कायदे से मैं आके सो गया था इधर, क्योंकि भाई पूरा रात हो चुका था, दैट्स व्हाई रात में काम करने का भाई थोड़ा सा रिस्क होता है। लेट्स गो, मैं स्टोन लेके आ चुका हूँ और मेरे को बस यहाँ पे क्राफ्ट करना है, कम से कम मेरे को चार रिपीटर की जरूरत पड़ेगी। तो दो हो गया, ये तीन हो जाएगा और एक चार, ओके चार हो चुका है, इसके ऊपर आप फिर से क्राफ्ट कर लेते हैं। अब स्टोन आ गया तो ऑब्वियसली स्टोन का यूज़ करेंगे, तो लेट्स गो इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ का एक पूरा क्लॉक बनाते हैं। तो मेनली में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ से आपको लेना है अपना रेडस्टोन डस्ट जो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आ जा भाई, और यहाँ पे आएगा रिपीटर। तो रेडस्टोन डस्ट कुछ इस प्रकार से करना है, एल टाइप का, यहाँ पे एक दो तीन और एक आ जाएगा चार, और यहाँ पे जाएगा अपना रेडस्टोन रिपीटर जो तीन टिक पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा एक और रेडस्टोन जो एक टिक पे होगा। फिर आपके बाद लेना आपको अपना यहाँ पे ग्लासेस, और ग्लासेस कुछ इस प्रकार से लगाना कि जो सब इसके जस्ट सामने वाला ब्लॉक है ना यहाँ पे प्लेस हो, बस इसके आगे अलावा नहीं हो। और फिर जाना आपको नीचे अपना नॉर्मल ब्लॉक लेकर, कोई भी टेम्परेरी ब्लॉक उसके ऊपर है, और फिर एक यहाँ पे लगेगा, फिर दूसरा इसके दूसरे ब्लॉक पे लगेगा, फिर अब ये पूरा पूरा रेडस्टोन डस्ट से मतलब कवर्ड हो जाएगा ऑब्वियसली। तो मुझे इसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा ताकि मैं इसको पावर दे सकूँ, लेट्स गो यहाँ पे, यहाँ पे और एक यहाँ पे, और शायद इसके यहाँ पे लगता है, नहीं लगता शायद, पता नहीं, कन्फ्यूज है मैं थोड़ा सा, बाद में लगा देंगे अपन, अगर गड़बड़ हो तो बाद में लगा देंगे। ओके तो अब लेना अपना पिस्टन, और यहाँ पे पूरे पूरे 11 पिस्टन लगाने हैं हर एक लेयर में, चार लेयर लगाने हैं और चारों में 11 लेयर। उससे पहले अपन बनाएंगे यहाँ पे एक टेम्परेरी ब्लॉक, भाई गले में खराश हो रखा है ब्रो पता नहीं क्यों, तो मुझे यहाँ पे कम से कम चार ब्लॉक लगाना है, तीन चार, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा पूरा 11 का एरिया बनाना है पूरे पिस्टन से, हैं तो चलो फिर बना के मिलते हैं 2 मिनट के अंदर। 2 3 4 5 6 हट जावे, हट जा से,
सात आठ नौ दस और एक ग्यारह, ग्यारह हो चुके हैं और पूरा पूरा भर के मिलते हैं 2 मिनट के अंदर, क्योंकि पता नहीं इसमें टाइम लगेगा नहीं लगेगा। बाकी तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई, और चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करो, ठीक है। वैसे ये लास्ट वाला लग गया, ओके लास्ट वाला लग चुका, ओके। तो मैं बोल रहा था भाई, एक जो अपने एक सब्सक्राइबर था भाई, मेरे को वार्डन से फाइट करने का वो दिया था, चैलेंज दिया था भाई, और मैंने दो वार्ड वार्डन तीन बार भाई तीन बार वार्डन को मैंने मारा भी। अब वो बात अलग है, मैं छुपके मारा, बेइज्जती होती है भाई भाई। वार्डन को तुम ऐसा वैसा बंदा मत समझो भाई, दो शॉट में बंदा एक दो तुम्हें मारेगा, बस दो बार मारेगा, उसके बाद तुम ख़त्म, लगा लो चैलेंज भाई। भाई उसकी सोनिक भी मिंदी खतरनाक होती है भाई, तुम सोच भी नहीं सकते, बहुत गंदा मारता है वो। मैं कई मेरे टोटम्स 10-15 टोटम्स ख़त्म हो गए, उसके अलावा और क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए भाई। ओके तो मुझे एक और अपना वो बनाना पड़ेगा, लेट्स गो अपना ऑब्जर्वर, ये रहा, इसको क्राफ्ट कर लेते हैं। ओके लेट्स गो, अब बन चुका है। अब भाई इस बार याद रखना है कि इसका फेस इधर को नहीं इधर से होना चाहिए, क्योंकि इसके सामने फेस होना चाहिए भाई। पिछली बार भाई गया था ना भाई, कसम से मतलब बहुत गंदा मार था वार्डन ने, सांस भी नहीं आ रही थी भाई वार्डन ने जब मारा था, तो हालत ख़राब हो जाती है भाई। ओके लेट्स गो, सेम यहीं पे वही होगा प्रोसेस, एल टाइप का आपका वो बनेगा क्लॉक, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे लगेगा एक रिपीटर जो तीन टिक पे होगा, एक दो तीन तीन, ओके हो गया, और यहाँ पे लगेगा जो एक टिक पे होगा। अब आपको कैजुअली करना क्या, नॉर्मल ब्लॉक लेना पड़ेगा और पूरा पूरा इसको फिल करना पड़ेगा। एक मिनट गया, मेरे पास नॉर्मल ब्लॉक की जगह मैं स्टोन ब्रिक यूज़ करने वाला भाई, क्योंकि देखो अपने पास भरा हुआ है, तो इसका स्टोन ब्रिक ही बना लेते ना डायरेक्ट, क्योंकि यूज़ होना थोड़ा सा अच्छा दिखेगा देखने को। तो भाई ये पहली बार होगा सर्वाइवल चीज़ सर्वाइवल में सारी चीज़ें बना रहा हूँ, मैं कभी इसे बनाता नहीं, क्योंकि ये कहने को तो फालतू है, बट ऐसे नहीं है दोस्त, सब ठीक है। अरे गलती से लग गया वो, कोई ना इसको तोड़ लेते हैं भाई अपने हाथ में ब्रो। ओके लेट्स गो, फटाफट से इसको क्राफ्ट करते हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी यहाँ पे भी। ओके सॉरी ये गलती से लग गया, इसको तोड़ लेते दोबारा से। ओके ये आ चुका अपने इन्वेंट्री में, इसको भी तोड़ लेते हैं। लेट्स गो, अब आपको लेना है कैजुअली अपना ग्लास जो कि मेरे पास है, और यहाँ पे लगेगा अपना ग्लास, यहाँ पे लगेगा टेम्प्रेरी ब्लॉक इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा अपना एक और ब्लॉक, फिर आपको लेना पूरा पूरा रेडिएशन डस्ट और पूरा पूरा इसको दे देना है पावर, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे अब इसको पूरा पूरा पावर देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके और पूरा पूरा अभी इसको पावर दे देते हैं यहाँ से पूरा ऊपर तक, ठीक है लेट्स गो। ओके 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 यहाँ तक नीचे वाला हो चुका है, अब ऊपर वाले पे जाना पड़ेगा, ऊपर वाले पे कैसे जाऊँ, हेलो जाने का रास्ता है भैया, शायद मेरे को यहीं जाना पड़ेगा। अरे सॉरी गलती से मुझे लगा पानी उसमें चल जाएगा। ओके अपन आ चुके हैं ऊपर, और ए पानी नहीं उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ओ भाई ये पानी वर्क करने लगा भाई। ओके लेट्स गो, यहाँ से पूरा पावर देते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भाई। आई होप कि मैं अच्छा बना रहा हूँ, कुछ गड़बड़ ना किया हूँ मैं, पता नहीं शायद कुछ गलत किया हूँगा, बाद में ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। बाकी तुम लोग वीडियो को लाइक कर दियो, और एक मिनट थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, देखो एक वो ऊपर वाला पिस्टन नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों, शायद वहाँ पर ब्लॉक नहीं यार, क्यों थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ। बाकी तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर दो, सब ठीक तो है भाई, क्या गलत है इसमें, रेड स्टोन सब के सब लगा हुआ है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ। ओके फाइन इस बात को छोड़ दें और इसके आगे काम कंप्लीट करते हैं। तो मेरे लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ से ब्लॉक लगाना है, तो पहले जाएगा एक ब्लॉक इसके ऊपर वाले में और एक ब्लॉक नीचे वाले में, तो यहाँ पे जाएगा एक, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, तो इस वाले एक ब्लॉक को तोड़ देना है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑब्वियसली, और आपको लगाना है यहाँ पे एक ब्लॉक, फिर इसके जस्ट सामने लगाना है, ठीक है। अरे गाइस कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाता है दोस्त, ठीक है, तो अपन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ब्लॉक लगाने वाले, और यहाँ पे जाएगा अपना दो, ठीक है एक मिनट दो या तीन जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, तीन बनाते हैं, अगर गलत हुआ तो अपन दो बनाने में ठीक कर लेंगे। ओके लेट्स गो, ऊपर हैं कोई बात नहीं दोस्त, मैं बाद में ठीक कर दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे लगाएंगे अपना रेड स्टोन डस्ट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरा पूरा फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे यहाँ पे और एक यहाँ पे, लास्ट हो चुका है मस्त खतरनाक तरीके से वॉक करने लायक। अब मुझे लगाना है अपना यहाँ पे पिस्टन, चूँकि यहाँ पे 6 के 6 पिस्टन जाने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 ओके तो अपने 6 के 6 के पिस्टन लग चुके हैं, और मुझे यहाँ पे ब्लॉक लगा देखना पड़ेगा। ओके ये वॉक नहीं, ये वाले ऊपर वाले दो ब्लॉक पिस्टन वॉक नहीं कर रहे, ये क्या सीन है भाई, हैं
शायद मैंने गलत बना दिया, शायद ये वाला पिस्टन ये साइड को होगा। ठीक है मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ओके तो मैं आ चुका हूँ, एक मिनट, सबसे ये करने से पहले मैं काम करता हूँ, पहले रेड स्टोन डस्ट लेकर इन सबको ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि भाई इनका काम करना ज़रूरी है। ओके लेट्स गो। तो अपन इस बार बिल्ड करके जाएंगे भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता, एक मिनट, अरे यार बड़ी कन्फ्यूजन है भाई। एक मिनट, मेरे पास बिल्डिंग ब्लॉक है, लेट्स गो भाई। अपन बिल्डिंग ब्लॉक्स है फिर भी भाई इतना नमूनापंती करता है, क्या बोले भाई अपन। ओके लेट्स गो। मेरे को ना वो साइड का ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा पिस्टन, और ये वाला भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत बन गया था मेरे, मुझे लगा था ये दो ब्लॉक बनेगा, बट गलती से तीन लगा दिया मैंने। कोई बात नहीं, अपन तोड़ के दोबारा लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मिली। ओके लेट्स गो। अपन यार दोबारा इसको तोड़ना पड़ेगा। ओके तो अपन फटाफट से ऊपर चलते हैं और फिर इन सबको दोबारा बनाते हैं। दोबारा क्या बनाना है, कायदे से बन चुका है, बस यहाँ पे पिस्टन लगाना है मुझे, बाकी ये पूरा काम ऑफिसली ये वर्क कर देगा। लेट्स गो। यहाँ पे जाएगा अपना एक पिस्टन, दूसरा और तीसरा, और फिर इसके ऊपर जाएगा दोनों के दोनों रेस्टोरेंट डस्ट, जो कि मैं नहीं लगाया था गलती से, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे। ओके ये होने के बाद इसके आगे भी कुछ काम था थोड़ा सा। ओके ये वर्क कर रहा है, इस बार वर्क कर रहा है, मुझे लगा था इसे नहीं करेगा, बट ठीक है वर्क कर रहा है, बट थोड़ा सा काम और बाकी रह रहा है, मैं कन्फ्यूज हूँ थोड़ा सा, बट ठीक है कोई ना, आगे जो गड़बड़ी होगी अपन ठीक कर लेंगे उसको, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई अपने वर्ल्ड में, अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में, तो ऑब्वियसली हम इसको ठीक कर लेंगे। लेट्स गो। यहाँ पे सब कुछ ठीक तो है भाई, सब कुछ मैंने बना रखा है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है भाई, कोई कमेंट में बताएगा कि मैंने क्या गलत बनाया, थोड़ा सा सजेशन दो भाई, क्योंकि देखो भाई इतना बड़ा बिल्ड है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, वो भी अपने मन से बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लेट्स गो, लेके आते हैं बोन मिल और फिर यहाँ पे ट्राई करते हैं कि क्या ये अपना, मैं क्या कर रहा हूँ। ओके तो ट्राई करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता, लेट्स गो एंड फाइंड लाते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ अपने सुतली बॉम्स नहीं भाई, ने पटाखा बोलता हूँ, और हड्डियों के ढांचे और भिखारी, चारों के चारों इसमें पड़े हुए हैं, और मकड़ी मानो वो भी इसमें पड़ा हुआ है। तो लेट्स गो, यहाँ पे काफ़ी सारी हड्डी इकट्ठी है। ओके यहाँ पे 17 है, ओके 17 इस वाले में, इस वाले में 16 है, चलो ठीक है, बट अपना जाएंगे अपने फार्म के पास, ताकि अपना जो वो है जितना भी फार्म है वहाँ से अपन निकाल के लाएँ, और उससे पहले मुझे यहाँ पे ओक लीव्स के वो चाहिए होंगे, सैपलिंग चाहिए होंगे, चलो फिर फटाफट से सैपलिंग और बोन मिल इकट्ठा करके मिलता है 2 मिनट के अंदर। बाकी तुम लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ही इकट्ठा कर लिया भाई, मैंने पूरा पूरा ही इधर पेड़ को टकला कर दिया, बट मेरे पास अभी आ चुके अच्छे खासे 51 आ चुके, इतना इनफ है मेरे ख्याल से। लेट्स गो। और मुझे बोन मिल भी लाना पड़ेगा। तो भाई जो आज का वीआईपी मेंबर है, सॉरी नंबर है, वो है नंबर 8। तो नंबर 8 कमेंट करो और वीआईपी मेंबर में आ जाओ। वैसे मैंने काफ़ी दिन से वीआईपी मेंबर्स को नहीं दिया है वीआईपी मतलब बैच, बट ठीक है अब से स्टार्ट होने वाला है, और हाँ मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, दैट्स वाई आप स्टार्ट कर सकते हैं ब्रो, लेट्स गो। तो वीआईपी नंबर 8 कमेंट करो और वीआईपी नंबर में आ जाओ, मतलब वीआईपी नंबर में आ जाओ भाई, अलग ही बोल रहा हूँ मैं। लेट्स गो तो फटाफट से बोन मिल आते हैं और फिर मिलते हैं 2 मिनट के अंदर। ओके तो अपन आ चुके हैं अपने फार्म के पास, तो फटाफट से यहाँ से फार्म से सामान लेते हैं और चलते हैं फिर नीचे, मतलब ऊपर। भाई फार्म के पास जाना है भाई, अपने वुड फार्म के पास, तुम गलत सोच रहे हो हैं। ओके तो मैं सब पूरा पूरा अपना जितना भी हड्डियां हैं, हड्डी के झाटे हैं, हड्डिया के ढांचे, मैंने ढांचे बोले ठीक है, वो लेके चलते फटाफट से ऊपर, मैं गलत मत सुन लेना भाई। ओके लेट्स गो फटाफट चलते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। ओके लेट्स गो, अपन आ चुके हैं पूरा पूरा सामान लेकर, पूरी मतलब लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेकर, यहाँ से 3 ब्लॉक डिक कर लेते हैं अपन को, क्योंकि यहाँ पे अपन खड़े होंगे, ठीक है लेट्स गो। तो फटाफट से सामान इसमें रखवा देते हैं, इसमें जाएगा ये, और पूरा पूरा यहाँ पे बोन मिल भर के मिलते हैं 2 मिनट के अंदर, पहले इनको पीट लेते हैं तुम्हारी भैंस की नमक से। ओके तो पहले पूरा पूरा सामान इसमें रखवा देते हैं और अब करते हैं मशीन को स्टार्ट, क्योंकि उसमें जो फार्म है वो रेडी है मतलब वर्क करने के लिए। लेट्स गो। अब थोड़ी देर और वेट करके देख लेते, कुछ गड़बड़ी हुई तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा मुझे। तो अपने ये वर्क करने लायक हो चुका है, रेडी, लेट्स गो 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 गो। अब देखते हैं थोड़ी देर में कि ये कितनी देर में ये अपना लकड़ी बनाता है, पता नहीं शायद बनाते भाई। हेलो दोस्त, लकड़ी, ओके हैं, एक मिनट, अरे यार यहाँ पर रेड स्टोन डस्ट जाएगा भाई, यही छोटी मोटी गलतियाँ हैं जो मेरे को ठीक करनी अपनी। लेट्स गो, इसको तोड़ के यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कल बल हो गया भाई। ओके इसको तोड़ लेते हैं भाई, ऐसे पता चलेगा मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या भाई सामान बाकी है। भाई समझ नहीं आ रहा क्या हो रखा है,
पूरी की पूरी लकड़ियाँ धक्का दे दिए हैं, पर ये पता नहीं क्या हो रहा है कि ओके ये गलती से टूट गया है इसको तो। अरे यार ये अलग ही सीन हो गया, इसको लेना पड़ेगा हाथ में। ओके फाइन, अब जंप करके भी नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं। मेरे को नहीं समझ आ रहा कि इसमें क्या गलती हुई है भाई जो एक मिनट थोड़ा समझना पड़ेगा भाई, मैंने क्या गलत किया इसमें। सब कुछ तो सही बनाया, ऑब्वियसली मैंने सब कुछ सही बनाया, फिर भी ये क्यों ऐसा हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा ब्रो। अरे यार ओके यहाँ पे बना, एक मिनट। अरे यार मैंने यहाँ पे पावर नहीं दिया है भाई, मैंने पावर वहाँ दिया ही नहीं तो क्या होगा, मैंने रेड स्टोन डस्ट लगाया ही नहीं वहाँ पे। ये भगवान। ओके एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले यही लगा देते हैं और फिर वेट करते हैं दोस्त। मैंने यहाँ पे पावर ही नहीं दिया, अब जाके पूरा पूरा पिस्टन वर्क करेगा, यार क्या सीन है। ओके मैं काम करता हूँ, यहाँ से लकड़ी यहाँ पे रखाते हैं और देखते हैं ये फेंकता है कि नहीं फेंकता। ओके अब ये फेंकने लगा है, एक मिनट। अब ये पता नहीं क्या भाई, कौन से क्या क्या नशे हो रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है मैं इसको टिक लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, लेट्स गो। अरे यार ओके मेरे सारे सारे बोन मिल खत्म हो गए थे भाई, मैंने दोबारा जो बच्चे कचु थे उन सारे बोन मिल्स को लगा दिया इसमें, और अब फटाफट से इनको देख लेते भाई, ये काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब अभी ठीक हो चुके हैं अच्छे खासे। इसको ऑफ करते हैं एंड अब भाई भाई लिटिल बता रहा, बहुत ज़्यादा लकड़ी हो चुका है तुम देख सकते हो। वैसे मुझे यहाँ पे पहले इन मॉब्स को पीटना पड़ेगा। हेलो हेलो दोस्त, तुम लोग मार खाने वाले हो, खाओ। वैसे आई एम सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा, बट आई एम ट्राइंग टू डू बेस्ट, ठीक है, सॉरी। ओके फाइनली भाई काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ हो चुकी हैं, बट यार देखो एक चीज़ दिक्कत है, इसमें बोन मिल बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा ही, जो कि सही नहीं है ब्रो, ठीक है। तो अगर तुम लोग चाहो फार्म बनाना तो बना सकते हो, फिलहाल मैं देखते हैं लकड़ी काट के कि अपने को कितना लकड़ी मिलता है इससे, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने बोन मिल खर्च किया है और ऑब्वियसली मुझे 4, 5 या 6, 7 स्टैक तो ऑब्वियसली हो जाना चाहिए, बट देखते हैं कितना होता है, ठीक है। ओके ये भी टूट चुका, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, और लास्ट का ख़त्म भाई, लिटरली मस्त एकदम खतरनाक तरीके से। और अपने को मिला है 3 स्टैक या फिर कहें 3.5 स्टैक, ठीक है, मतलब लेकिन नहीं सही है भाई, सच्ची बताऊँ ये वुड फार्म इतना परफेक्ट नहीं है ये भाई, वो ऑटोमेटिक होता ना तो अलग बात होती है, जिसमें तुम्हारा कोई भी सोर्स नहीं लगता, बस ये तुम्हें मतलब चीज़ें क्राफ्ट कर दी और तुम्हें ऑटोमेटिकली मिलते रहे, बस ऐसा वाला चाहिए। ऐसा नहीं भाई तुम्हारा बोन मिल खर्च हो तो थोड़ा ज़्यादा ये होता है भाई, इससे बढ़िया तुम अपना शुगर केन फार्म बना लो, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है ऑटोमेटिक वाला, ठीक है, बट ये सही नहीं है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। तो फाइनली भाई लोग आज की वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और हाँ आई एम सॉरी मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं किया, बट आई एम ट्राइंग टू डू बेस्ट, और हाँ आगे थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो आज की जो वीडियो भी खत्म होने वाले, तो वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें, आप चैनल पर नहीं हो तो यस सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर ऑन कर लेना। तो मैं मिलता अगले वीडियो में, तब तक टाटा गुड बाय एंड गुड डे, और हाँ तुम लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ भाई, और हाँ मैं PC लेने वाला हूँ तो थोड़ी सी हेल्प कर दो, ठीक है, चलो फिर बाय बाय और टेक केयर।